Hello friends, welcome to our channel. Friends, today's video we are going to discuss about Dr. Waite's new method, jis method ko hum kehte hain the reading method or the textbook method. Michael Philip Waite inka pura naam tha aur ye professor the. Inhone kya socha ki India ke andar jo readers hai, jo learners hai, unki problem kya hai ki wo understanding नहीं कर पा रहे, उनको बोलने की प्रैक्टिस दी जा रही है लेकिन जब तक वो सीखेंगे नहीं पढ़ना, जब तक वो रीडिंग नहीं सीखेंगे तब तक वो लर्निंग कैसे सीखेंगे, इस बात पर इन्होंने जोर दिया. तो इन्होंने क्या किया, एक मेथड इन्वेंट किया जिसको हम कहते हैं द रीडिंग मेथड. ठीक है फ्रेंड्स, डॉक्टर माइकल वेस्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इस मेथड को, ये आपको ध्यान रखना है. फोकस ऑन फ्लुएंट रीडिंग देन टू स्पीकिंग, इनका फोकस था फ्लुएंट रीडिंग पर. इनका फोकस ये था कि रीडिंग करवाई जाए और रीडिंग के अंदर दो कंपोनेंट ध्यान रखे जाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के लिए साइलेंट रीडिंग और एक लाउड रीडिंग. लाउड रीडिंग में प्रोनंसिएशन पर और साइलेंट रीडिंग में अंडरस्टैंडिंग पर जोर दिया जाए ताकि सबसे पहले रीडिंग सिखाई जाए, जब वो पढ़ेगा लर्नर उसके बाद उसको स्पीकिंग के लिए सिखाया जाए. जबकि इससे पहले क्या था, स्पीकिंग पर जोर दिया जा रहा था, तो इंडियन स्टूडेंट के लिए इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पहले रीडिंग करवाई जाए, रीडिंग की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाई जाए, उसके बाद स्पीकिंग पर जोर दिया जाए. और जो रीडिंग है वो दो प्रकार से करवाई जाए. फर्स्ट जो इसका टाइप होता है रीडिंग का, वो है कि साइलेंट रीडिंग से पहले वाली लाउड रीडिंग जिसमें हम प्रोनंसिएशन पर जोर दें, और सेकेंड में होता है कि बिल्कुल साइलेंट तरीके से अंडरस्टैंडिंग करें ताकि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज की समझ बन सके. एम इज़ टू गिव अंडरस्टैंडिंग एंड फ्लुएंट रीडर. देखिए इनका एम क्या था, अंडरस्टैंडिंग और फ्लुएंट रीडिंग बनाना. केम एज ए रिफॉर्म ऑफ डायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड के अंदर जो रिफॉर्मेशन था उसके लिए ये मेथड आया. अब देखिए डायरेक्ट मेथड में क्या था कि इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है, इंग्लिश में समझाया जा रहा है, एज ए नेचुरल वे में इंग्लिश टू इंग्लिश चल रही है. लेकिन इन्होंने क्या सोचा कि इंग्लिश में वहाँ सब कुछ हो रहा है डॉक्टर वेस्ट मेथड में, लेकिन एक प्रॉब्लम क्या थी कि स्पीकिंग पर जोर दिया जा रहा था उसमें कि इंग्लिश में सुनो और इंग्लिश में बोलो. लेकिन इनका कहने का मतलब था कि भी इंग्लिश में पढ़ो, जब तक आप इंग्लिश में रीडिंग नहीं करेंगे जब तक आप उसको बोल नहीं पाएंगे. इनका बेसिक कहने का मतलब था जब तक आपकी रीडिंग अच्छी नहीं होगी जब तक आपकी स्पीकिंग अच्छी नहीं होगी इंग्लिश में. तो इस बात पर इन्होंने बहुत जोर दिया. उसके बाद देखिए इनके तीन एस्पेक्ट हैं, रीडिंग, रीडर्स और ग्रेडेड वोकैबुलरी. अब देखिए रीडिंग जो हम स्टूडेंट रीडिंग करेंगे उसके लिए टेक्स्ट बुक होगी, टेक्स्ट बुक में एक पैराग्राफ है या एक लेसन है उसको रीड करेगा स्टूडेंट. साइलेंट रीडिंग करेगा, पहले लाउड रीडिंग फिर साइलेंट रीडिंग, इस तरह से रीडर से जो मेन कंपोनेंट है जो पढ़ने वाला है. और ग्रेडेड वोकैबुलरी इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट, ग्रेडेड का मतलब एक मतलब शब्द छाटे हुए जो उपयोगी शब्द होते हैं, लेक्सिकल आइटम जिसे हम कहें भी, जैसे कुछ ऐसे शब्द जो एनवायरनमेंट से लिए हुए हैं, कुछ ऐसे शब्द जो हमारे डेली काम आते हैं, कुछ ऐसे शब्द जो हमारे नीड के हैं या कुछ ऐसे स्ट्रक्चरल वर्ड्स. तो हर प्रकार की जो वोकैबुलरी है उसको सिस्टमेटिक ढंग से बच्चों के सामने पेश किया जाए, वो सबसे इम्पोर्टेंट खास बात थी इसमें. ए चाइल्ड लिसंस अंडरस्टैंड बिफोर स्पीक्स. इनका मानना था कि एक बच्चा बोलने से पहले सुनता है और समझता है, तो सुनने और समझने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा. ओरल रीडिंग और साइलेंट रीडिंग मैंने आपको बता दी, टू टाइप्स ऑफ रीडिंग का फोकस किया जाता है. तो दोस्तों आज हमने इस डॉक्टर वेस्ट मेथड का सिर्फ इंट्रोडक्शन समझा है, इसकी कुछ बारीकी से कुछ मैंने आपको इसका मतलब समझाया है. अगले वीडियो में आपको इसकी डिटेल की इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या इसके प्रिंसिपल हैं, क्या क्या इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या क्या इसकी कमियां हैं ये भी मैं आपको बताऊँगा. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहें. थैंक यू टू ऑल.